पीएम पद पर भर्ती के लिए लाइन लगी, नकवी ने विपक्ष पर साधा निशाना। 75वां आजादी का अमृत महोत्सव, जयपुर समेत देश भर के कई राज्यों में स्वतंत्रता दिवस को अनूठी पहल के साथ मनाने की तैयारी की जा रही है। स्टार पावर का नहीं चला जादू, लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन का कमजोर प्रदर्शन। हरियाणा में विधायकों से रंगदारी मांगी और पाकिस्तान भेजे लगभग 3 करोड़, एसटीएफ ने मुंबई बिहार से 6 को किया गिरफ्तार। मछली पकड़ने के सदियों पुराने तरीके, क्रिक से 72 घंटे में 500 किलो कचरा शुद्ध। चर्चा में वानखड़े नवाब के आरोपों को जाति आयोग ने किया खारिज, दी क्लीन चिट। संजय राउत को जेल में मिला 10x10 का बैरक, एक बिस्तर और एक पंखा। गडकरी और फडणवीस ने भाजपा की महाराष्ट्र इकाई का अध्यक्ष बनने पर चंद्रशेखर बावनकुले की तारीफ की। गलती से जेल में रखे गए नाइजीरिया व्यक्ति को 2 लाख रुपए मुआवजा देने का निर्देश, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आवारा गाय को बचाने के प्रयास में ट्रक की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में सरकार जाते ही कांग्रेस शिवसेना में तकरार, शिवसेना के साथ गठबंधन स्थायी नहीं। सीएम योगी को बम से उड़ाने की धमकी, हिंदूवादी नेता देवेंद्र तिवारी को मिला लेटर, लिखा तुम दोनों के चिथड़े भी नहीं मिलेंगे। सहारनपुर में तिरंगा रैली में बच्चों ने लगाए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, केस दर्ज। राजू श्रीवास्तव का ब्रेन रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, पत्नी परिवार के साथ गुरुद्वारे में अरदास कर रही, कहा अफवाहों पर ध्यान ना दे। मुंबई में आजादी के 75वें जश्न मनाने की तैयारी शुरू हो गई है। वहीं ट्रैफिक अथॉरिटी ने घोषणा की है कि नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स और बैंडस्टैंड जंक्शन के बीच नेताजी सुभाष चंद्र बोस रोड, जिसे मरी ड्राइव रोड के नाम से भी जाना जाता है, के उत्तर की ओर जाने वाला मार्ग रविवार सुबह 6 बजे से 10 बजे तक बंद रहेगा। बता दें कि भारतीय स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मुंबई पुलिस द्वारा आयोजित अमृत महोत्सव ऑफ फ्रीडम रन के दौरान डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस प्रज्ञा झेगे ने यातायात के सुचारू संचालन के लिए आदेश जारी किया है। आपको बता दें, अमृत महोत्सव ऑफ फ्रीडम रन के लिए मुंबई में कई मार्गों को बंद किया जाएगा, इसलिए घर से बाहर निकलते समय जरूर चेक करें। पूर्व एनसीबी अधिकारी समीर वानखड़े को जाति पैनल ने क्लीन चिट दे दी है। जांच पैनल के मुताबिक वह मुस्लिम नहीं बल्कि एससी समुदाय से हैं। एक अधिकारी ने शनिवार को कहा कि सरकारी नौकरी पाने के लिए फर्जी जाति प्रमाण पत्र को जाति जांच समिति ने क्लीन चिट दे दी है। एक अधिकारी ने बताया कि यह आदेश महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक न्याय विभाग ने शुक्रवार को जारी किया। इस आदेश से एनसीपी नेता नवाब मलिक को झटका लगा है। आदेश के मुताबिक भारतीय राजस्व सेवा IRS के अधिकारी वानखड़े जन्म से मुस्लिम नहीं थे। यह साबित हो गया है कि वह महार जाति से हैं, जो अनुसूचित जाति SC है। वानखड़े की जाति का मुद्दा महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और अकांपा नेता नवाब मलिक ने उठाया था। मनोज सांसरे, अशोक कांबले और संजय कांबले ने वानखड़े के खिलाफ आवेदन दायर किए थे। मुंबई जिला जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति ने शिकायतों की जांच कर शुक्रवार को एक आदेश पारित किया। आदेश में कहा गया है कि यह साबित नहीं हुआ कि वानखड़े और उनके पिता ज्ञानदेव वानखड़े ने हिंदू धर्म को त्याग दिया और विधिवत इस्लाम में परिवर्तित हो गए।